और साथ ही साथ जो है इसका ब्रश भी आया। और उस प्रोडक्ट को लेके जो है किस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा हर्बल है, किस तरीके से प्रोपोलिस और ग्रीस टी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है, इसका मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ कि मार्केट में और भी दूसरे टूथपेस्ट इसमें बेचे जा रहे हैं और वो हर्बल के नाम पर बेचे जा रहे हैं, इसके अंदर कितने केमिकल हैं ये आप देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये डाबर का रेड, डाबर रेड है, इसको हर्बल के नाम पर बेचा जा रहा है, इसका मैं आपको सामने एक डेमो देने जा रहा हूँ। ये देखिए आप, डाबर रेड है। और दूसरा ये कॉलगेट है, इसको भी हर्बल के नाम पर बेचा जा रहा है, ये कॉलगेट का भी मैं आपको सामने एक डेमो दे रहा हूँ। और ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये भी डाबर का है, मिसबाक के नाम से बेचा जा रहा है, इसको भी हर्बल कह रहे हैं। और ये चौथा प्रोडक्ट जिसको बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड करके बेचा जा रहा है, ये ग्लिस्टर है जो आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट ग्लिस्टर, और ग्लिस्टर को मैंने इसमें से निकाला और इसके साथ ही अभी जो आया है ये प्रोडक्ट, ये प्रोपोलिस, ये प्रोपोलिस जो है एटॉमिका है, ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर सिर्फ जो है प्रोपोलिस को और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को इसके अंदर लिया गया है ये। और इसको मैं आपके सामने दिखाता हूँ, इसमें मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है ये आप देखिएगा। ये सबसे पहले हम डालते हैं डाबर रेड के ऊपर और ये डाबर रेड देखिए किस तरीके से रिएक्शन करना शुरू कर दिया। दूसरा भाग ये कॉलगेट है, ये कॉलगेट के ऊपर डाला, ये कॉलगेट भी रिएक्शन करना शुरू हो गया। और ये मिसबाक है, इसको मिसबाक कहते हैं, ये देखिए मिसबाक के ऊपर कितना रिएक्शन करना शुरू कर दिया। और ये ग्लिस्टर है, ये ग्लिस्टर का आप देख रहे थे, ये धीरे 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 इसमें भी रिएक्शन शुरू हुआ है, लेकिन उतनी मात्रा में रिएक्शन नहीं है जितनी मात्रा में इधर रिएक्शन हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट आता है प्रोपोलिस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो आपके सामने है, इसमें मैंने देखिए काफ़ी जो है ड्रॉप डाल दिए हैं और इसमें किसी तरीके का कोई भी जो है इसमें रिएक्शन आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सब आपके सामने है, ये देख रहे होंगे कि आपके ग्लिस्टर के आसपास भी हल्के हल्के से बबल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा को कम इस्तेमाल किया गया है जो रिएक्शन नहीं कर रहा है ये। इस तरीके से ये जो पेस्ट है इसके और भी कई उपयोग जो बताए गए हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ना, मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दांत को पॉलिशिंग करता है, चमकाता है। और जब आप इसको लेंगे इसमें बहुत ही अच्छा सा मिंट का जो है इसमें अंदर स्वाद है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए कंपनी ने जो हम लोग के सामने ये दिया है, ये इसका ब्रश है, ये ब्रश का जो टिप है, ये पॉइंट टिप जो है 0.18 mm का है, ये जो 99.9% प्योर गोल्ड अनाइज से है ये। और ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्योर प्लास्टिक है, इसके अंदर कोई भी रबड़ नहीं इस्तेमाल की गई है, इस कारण से इसके ऊपर कोई फंगस नहीं आने पाता है। और इसी तरीके से जो है ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप लोग इसको देखें और देख के जानें कि किस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट हमारे पास उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट एटॉमी लेके आई है। थैंक यू, नमस्कार।